नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज टैल्क पर, जहां पर जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। बंगाल में और कड़ा होगा लॉकडाउन, सीएम ममता बनर्जी ने दिया संकेत, कहा अंतरराज्य सीमा पर होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में योगी सरकार की श्रमिकों को सौगात, 4 महीनों तक 500 रुपए हर महीने मिलेगा भरण पोषण भत्ता। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला, पंजाब सरकार का एक्शन, जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित, 3 दिन में सौंपनी होगी रिपोर्ट। कोरोना की बूस्टर डोज के लिए नहीं की जाएगी कोई मिक्सिंग, पहले वाली ही लगेगी, सरकार ने की पुष्टि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया महामृत्युंजय का जाप, प्रदेश भर में बीजेपी का पूजा पाठ। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक पर बोले सुखबीर बादल, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना किसानों का अधिकार, यह पंजाब इंटेलिजेंस की विफलता। हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर 11 जनवरी तक फैसला रखा सुरक्षित। सुरक्षा के बहाने चमका रहे राजनीति, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के चूक के आरोपों पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का आरोप। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ा माता पिता का रुझान, प्रदेश के स्कूलों में रिकॉर्ड 99.3 लाख छात्र नामांकित। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई, प्रधानमंत्री मोदी से मिले राष्ट्रपति कोविंद, जताई चिंता। सरकार ने शुरू की कैबिनेट की बैठक, आम आदमी से जुड़े कई फैसलों पर लग सकती है मुहर। एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने यस बैंक के साथ मिलाया हाथ। राजस्थान की गहलोत सरकार का किसानों को तोहफा, फिर जुड़ेंगे कोरोना काल में कटे बिजली कनेक्शन। बंगाल के गंगा सागर मेले के आयोजन पर नहीं लगेगी रोक, ममता बनर्जी सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट, कहा खारे पानी से नहीं फैलता है कोरोना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चुनाव आयोग के साथ की बैठक, रोड शो और रैलियों सहित तमाम मुद्दों पर हुई चर्चा। सख्त पाबंदियां नहीं लगी तो देश भर में निकलेगी बंपर वैकेंसी, आईटी सेक्टर में आएगी नौकरियों की बहार। देश में कोरोना के नए मामलों में जबरदस्त उछाल, 24 घंटों में 90,928 नए मामले, ओमिक्रॉन की कुल 2,630 केस दर्ज। एलओसी के पास सांबा सेक्टर से मिला पाकिस्तानी झंडे वाला एक विमान के आकार का गुब्बारा, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। कोटक म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया कोटक मिड कैप 50 ETF, 5,000 रुपए में कर सकते हैं निवेश। बिहार के औरंगाबाद में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 आईडी ब्लास्ट, 1 नक्सली के मारे जाने की सूचना। कजाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन जारी, दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर, रूस ने तैनात किया शांति रक्षक सेना। महाराष्ट्र में 55 साल के ऊपर की उम्र के पुलिस कर्मी करेंगे WFH, उद्धव के मंत्री बोले फिलहाल सिनेमा हॉल और मॉल बंद करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले को ना बनाया जाए राजनीतिक फुटबॉल, SPG एक्ट केंद्र सरकार का कानून। केंद्र और पंजाब के बीच तल्खी बढ़ी, सरकार ने जारी की पुलिस को लिखी चिट्ठी। ड्यूरंड रेखा पर दोस्ती से दुश्मनी की तरफ बढ़ा पाकिस्तान तालिबान का रिश्ता, अफगानिस्तान का बाड़बंदी का अनुमति से साफ इनकार। भारतीय कारों में 6 एयरबैग होना जल्द किया जा सकता है अनिवार्य, एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे पैसे। बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को SC में लगा झटका, दिल्ली में चलेगा केस, पीएम मोदी की बैठक में नहीं हुए थे शामिल।
राजस्थान की गहलोत कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले। कोरोना पर जताई चिंता, तो अब 50% जूनियर पदों पर होगी सीधी भर्ती। हिमाचल के सीएम जयराम का बड़ा बयान, बोले सिर्फ सुरक्षा चूक नहीं, प्रधानमंत्री को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने का प्रयास। उत्तराखंड में चुनावी साल में धामी सरकार ने खोला पिटारा, पूर्व सैनिकों को फार्म हाउस टैक्स में छूट और विधवा और दिव्यांग पेंशन में किया इजाफा। उत्तर कोरिया से टेंशन में दुनिया, इस बार कोई मामूली नहीं बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को कोलकाता के चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे कैंपस का करेंगे उद्घाटन, सीएम भी होंगे शामिल। आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाने पर इनकम टैक्स विभाग को कानूनी नोटिस, नए पोर्टल पर दिक्कतों का किया जिक्र। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को मिली मंजूरी, 12,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। बुल्ली बाई ऐप केस में मुख्य आरोपी को दिल्ली पुलिस ने असम से किया गिरफ्तार, मामले में हुई चौथी गिरफ्तारी। बंगाल में पुलिस कर्मियों पर कोरोना की मार, पुलिस स्टेशन ही बन गया कंटेनमेंट जोन। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, आज दिल्ली में आ सकते हैं 14,000 नए केस, संक्रमण दर 14% तक पहुंचने की आशंका। यूपी में दूसरी लहर की तरह खराब नहीं होंगी हालात, डीजी हेल्थ का दावा, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की नहीं होगी कमी। 71 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित, नासिक से सांसद हेमंत तुकराम गोडसे भी पॉजिटिव, अब ओमिक्रॉन के लिए नहीं होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जैसी घटना नहीं होती, मनीष सिसोदिया ने दिया बयान। अटारी वाघा बॉर्डर पर इस बार आम लोग नहीं देख पाएंगे रिट्रीट समारोह, कोरोना की तेज रफ्तार के चलते बीएसएफ ने लगाई रोक। कोरोना संकट के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, सुप्रीम कोर्ट में पहुंची रैली और जनसभाओं पर रोक की मांग। गोवा में विधानसभा चुनाव से एन पहले कांग्रेस को लगा झटका, पार्टी प्रवक्ता राखी नाइक अब टीएमसी में शामिल। उत्तराखंड में दूसरी लहर की तुलना में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, 2 दिन बाद होगी कैबिनेट की अहम बैठक। शीतलहर के बीच मौसम विभाग की भविष्यवाणी, 7 से 9 जनवरी तक कई राज्यों में होगी भारी बारिश। भारत म्यांमार को जोड़ने वाली रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी, पूर्वोत्तर को जोड़ने के लिए शुरू होगी टूरिस्ट ट्रेन। पश्चिमी बंगाल के अस्पतालों में स्थिति खराब, हेल्थ डायरेक्टर समेत सैकड़ों डॉक्टर नर्स और हेल्थ वर्कर संक्रमित, बेड्स को लेकर बड़ी चिंता। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।